बिहार की राजधानी पटना में आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। आज विस्तृत कार्य समिति की बैठक है। राजधानी के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बिहार बीजेपी के तमाम नेता तो हैं ही, साथ ही साथ पूरे राज्य के तकरीबन 4 से 5 हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता भी आए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस आयोजन में पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के साथ ही अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी काफ़ी सारी यहां भी योजनाएं बनेंगी। जानकारी ये भी है कि कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी दिया जाएगा कि अगले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी के लिए काम करना है और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुमित हैं। हम सुमित से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आयोजन हो रहा है इसका मूल उद्देश्य क्या है। सुमित, आज ये आयोजन हो रहा है इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को हमेशा संगठित रखने के लिए और समाज को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहती है। अब ये विस्तृत कार्य समिति है और पूर्व में आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2019 के बाद 2024 में चुनाव हुए और चुनाव परिणाम जिस प्रकार से आज निकल करके आया है और पूरे देश की यशस्वी जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास जताया है और विश्वास की परिणति आज पूरे बिहार से निकल करके आई कि एक बड़े बहुमत से बिहार के जनप्रतिनिधियों ने आगे बढ़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाने में जो भूमिका दिखाई उसके लिए आज ये अभिनंदन समारोह है सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेतृत्वकर्ताओं का, हमारे मंडल अध्यक्षों का, एक तरीके से जो प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं जिन सभी ने लगातार 2.5 से 3 महीने तक जिस तरीके से कड़ी धूप में परिश्रम करते हुए समाज के लोगों के बीच में राष्ट्रीय नौ चेतना की अलख जगाने के लिए और खास करके जो विकास कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 से लेकर के 2019 तक जो कार्य किया गया और 2019 से लेकर 2024 तक उन प्लानिंग्स के इम्प्लीमेंटेशन में जो भूमिका अदा की गई उसको बताने का जो कार्यकर्ताओं ने किया, इसीलिए आज एक सम्मान समारोह का आयोजन। ये सूचना हमारे पास भी थी कि एक अभिनंदन प्रस्ताव भी पास होना था। लगातार तीसरी बार जो पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं? जी बिल्कुल, अभी आप सुन पा रहे होंगे, आवाज़ आ रही है यहाँ तक। अभिनंदन प्रस्ताव पूरे बिहार प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है और इस अभिनंदन प्रस्ताव में पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा, सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि चेहरा है एनडीए का और जिस तरीके से उन्होंने विश्व के फलक पे भारत माँ के सम्मान को बढ़ाने का काम किया और कार्यकर्ताओं का कार्य होता है एक नेता को चुनना और उस नेता की भूमिका को एक तरीके से स्थापित करना, लेकिन एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका होती है राज्य और राष्ट्र के का जो मान है उसको वैश्विक फलक पे स्थापित करना। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर आगे बढ़ते हुए वैश्विक फलक पर भारत का मान जो है वो स्थापित करने का काम किया। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बनी और आगे आप देखेंगे कि 3री सबसे बड़ी जीडीपी बनेगी। तो इस दिशा में जो कार्य एक प्रधानमंत्री के रूप में वो कर रहे हैं तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताएं बहनें, खास करके आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो माताएं बहनें हैं, चाहे वो गोंड जनजाति की बात हो, चाहे भील जनजाति की बात हो, चाहे भिलाला जनजाति की बात हो, चाहे बैगा जनजाति की बात हो, चाहे भूरिया जनजाति की बात हो, तो ये सभी माताएं बहनें अपना आशीर्वाद देना चाहती थी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। सुमित, एक जानकारी मैं आपसे भी लेना चाहूँगा। चर्चा थी कि जेपी नड्डा भी आएंगे, चर्चा ये भी थी कि शिवराज भी आएंगे, हिमांता भी आएंगे, लेकिन कोई वो बड़ा चेहरा अभी दिखाई नहीं दिया। देखिए, चर्चाएं होती रहती हैं लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि उपलब्धता के अनुसार कौन व्यक्ति किस राज्य में उपलब्ध रहेगा। हमारे आदरणीय जो प्रभारी हैं जो कि एक बड़े चेहरे के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं, आदरणीय विनोद तावड़े जी जो कि उपस्थित हैं, पूर्व के हमारे कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी उपस्थित हैं, आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी उपस्थित हैं, नित्यानंद राय जी उपस्थित हैं, तो बड़े चेहरे, बिहार के सभी प्रबुद्ध और बड़े चेहरे जो हैं इस कार्यकारिणी में उपलब्ध हैं और जो लोग नहीं आ पाए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी समय की उपलब्धता नहीं रही होगी। राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत सारे, दिल्ली में भी हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वगैरह लगातार
चल रहा है, तो सबकी उपलब्धता पर निर्भर करता है ये सारी बात। बिल्कुल, तो जैसे कि सुमित ने बताया कि उपलब्धता पे ये सारी बातें निर्भर करती हैं। अभी जब जो कि कार्य समिति की बैठक चल रही है, तो अब कार्यकर्ताओं को क्या गुरु मंत्र दिया जाना है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। सुमित कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।